बोकारो जिले के कथारा सीसीएल बी और के प्रक्षेत्र के जारंग डी के ग्रामीणों ने भारी संख्या में पहुंचकर विरोध जताया। उन्होंने विरोध जताते हुए कांटा घर को बंद कर दिया। दरअसल इस विरोध प्रदर्शन में उड़ती कोल डस्ट से होने वाली प्रदूषण के विरोध में किया गया था, जहां विरोध प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि हमें सड़क पर प्रदर्शन करना पसंद नहीं, लेकिन व्यवस्थापूर्ण प्रदर्शन करना पड़ रहा है। कई बार स्थानीय सीसीएल प्रबंधन को लिखित और मौखिक रूप से सूचना देने के बाद भी समस्या के समाधान की दिशा में सकारात्मक रूप से काम नहीं किया गया। जल छिड़काव नियमित नहीं होने से हम सभी कॉलोनी वासियों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है और उड़ती कोल डस्ट से हम और हमारे परिवार के लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन प्रबंधन अपनी हट धर्मिता रवैया अपनाया हुआ है। मांग है यहाँ की, बहुत हम लोग का यहाँ गर्दा होता है, डस्ट है यहाँ उड़ता आए दिन, यहाँ पर बूढ़े बच्चे से परेशान है। बार बार हम लोग प्रबंधन को शिकायत की है कि यहाँ जल छिड़काव किया जाए, मगर उनको कोई प्रभाव नहीं है। इसीलिए हम लोग विवश हो के हम लोग सारी महिलाएं यहाँ पर कांटा घर साइडिंग का कांटा घर बंद कराने आए। जल छिड़काव नहीं होता, नहीं होता है हम लोग का जल छिड़काव। कभी कभी मतलब महीना या दो महीना में एक बार सिर्फ किया, तो यहाँ तो आए दिन यहाँ तो इतना डस्ट उड़ रहा है कि हम लोग परेशान हो गए, क्या करेंगे। हम लोग बच्चा सब हमेशा बीमार हो रहा, हम लोग खुद बीमार है साइडिंग का गर्दा खाका के। यहाँ पर साइडिंग में प्रतिदिन गर्दा उड़ता है, उड़ता है, जिससे गाँव का लोग परेशान है बीमारी से, सारा चीज से। और प्रबंधक हमने लिख के भी दिया 1/6 को कि उसके बाद इन लोग पानी छिड़काव ढंग से नहीं किया जा रहा है। यानी गड्ढा से इतना त्राहिमाम हो गया सारे लोग, यहाँ से लेकर बाजार तक का आदमी, पूरे जरंदी कॉलोनी का आदमी कि परेशान है लोग, दम्मा खांसी सब टीवी तक परेशान है लोग। मांग है यहाँ की, बहुत हम लोग का यहाँ गर्दा, मांग है यहाँ की, बहुत हम लोग का यहाँ गर्दा होता है, डस्ट है यहाँ उड़ता आए दिन, यहाँ पर बूढ़े बच्चे से परेशान है।